हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस यार आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट और मार्केट से लेके आएंगे जावा का ट्यूब, क्योंकि आपने पहले जो मेरी वीडियो देखी होगी मेरी जावा पंचर हो गई थी, तो यार बहुत दिक्कत हो रही है और जब से खड़ी भी है। तो अब जाके मुझे टाइम मिला तो अब मैं जा रहा हूँ मार्केट, मार्केट से जाके इसका ट्यूब लेके आऊंगा। तो देखेंगे यार कितने का मिलता है कितने का नहीं मिलता है। अब मार्केट चलते हैं, वहाँ जाके ढूंढते हैं। पहली बात तो मुझे मुश्किल लग रहा है यहाँ पे मिले या ना मिले, चलो ढूंढते हैं और दिखाते हैं आपको मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलो मिलते हैं सीधा मार्केट में। कुशागर ओबरॉय नाम है भैया का। भैया जैसे हमारे सब्सक्राइबर यहाँ आना चाहेंगे तो क्या एड्रेस है? बजरंग रबड़ अनाथ आले हैं रोड पे। टायर मिल गया मैं तो सोच रहा था नहीं मिलेगा, मैं मिल गया तो चलो अब सर्विस सेंटर जाते हैं, वहाँ जाके इसको करवाते हैं। चलो मिलते हैं, बाय बाय। ट्यूब लिया था हमने तो यार हमने सोचा पहले चेक कर लो, क्योंकि चेक करने से पहले यार सही रहा, क्योंकि अगर गाड़ी में जब फिट हो गया तो फिर पंचर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप जब भी टायर ट्यूब लें तो हमेशा चेक कर लें, उसके बाद चलवाएं। हम आ चुके हैं जावा के शोरूम पे, ये देख सकते हैं आप। आइए पेपर वर्क करते हैं उसके बाद सर्विस पे डालते हैं। गाइस ये रहा हमारी जावा का सर्विस सेंटर, और ये खड़े हैं सर्विस करने के लिए। हमारी बाइक उधर खड़ी है, काफी देर से खड़ी है, तो अभी जाएगी अंदर, सब दिखाएंगे आपको कैसे सर्विस होती है। अपना नाम बता दो, तो आप ही सर्विस करोगे ना बाइक की, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा? 3 घंटे। तो भाई यार ये कह रहे हैं हम उसमें 3 घंटे लग जाएंगे, तो उसमें अभी क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपने देखी? चैन बाइक में जितना टाइम क्यों लग रहा है, मतलब लगता ही है या आपने उसकी कंडीशन ऐसी कर रखी है? टाइम ज्यादा हो गया था तो इस वजह से। तो भाई यार मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दी, सर्विस डिले हो गई, तो इस वजह से 3 घंटे लगेंगे। वो तो है, तो 3 घंटे से ज्यादा तो नहीं लगेंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। तो क्या यार मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दी थी, तो इस वजह से 3 घंटे लग जाएंगे गाड़ी में। तो देखते हैं अभी आगे। तो गाइस यार मैं बोर हो रहा था बहुत और गाड़ी में अभी टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा थोड़ा क्रिकेट खेल लिया जाए, भाई लोग हैं हमारे। भाई अपना नाम बता दो यार। मेरा नाम अंश है। हेलो, नाम कृष्णा है। तो नहीं भाई के संग हम थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई लग रहा बड़ा हो के धोनी बनेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत कर रहा शॉट मारा पूरा बनोगे पक्का। अरे आउट हो गए गाइस, देखो नाले में तो बॉल उठा रहे हैं। बताओ अब हमारे बिट्टू भाई की बारी आ गई है ये खेलते हुए अब। अरे वाह, गेंद गई गैप में। लड़का है लोकल, क्राउड यहाँ की वोकल, और जड़ दिया 3 अंकों का एक और बड़ा टोटल। रो सुपर हिट शर्मा, 21वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक। तो गाइस अब मैं सोच रहा था मैं खेलूंगा, मैं भी अपना थोड़ा टाइम पास कर लूं। यार इस गेंद को जरा स्टैंड में पहुंचाइए कुछ इस प्रकार से।
काफी एडवांस आया फीचर्स, बड बुलेट इंजन है। अच्छा, सिक्स गियर्स की बाइक है। अच्छा, पहले से कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ कराक 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 में? कोई चेंजेस नहीं आए, कोई चेंजेस नहीं आए। अच्छा, ये सीट मैंने लगवाई थी पहले तो वो नॉर्मल कलर सीट है, सिर्फ लगी रहती है। अगर तुम सिंगल बैठना चाहोगे तो वो सिंगल ही रहे, मतलब डबल भी रहेगी वो सिंगल भी रहेगी। तो आप उसमें कुछ चेंज कराएं सीट में? आपको जो सीट मिलती है वो सिंगल सीटेड मिलती है, सिंगल सीटेड मिलती है। ये एक एक्सेसरी का पार्ट है जो आप लगवाते हो। अच्छा, ठीक है, ये फोल्डेबल सीट कहलाती है। अगर आप एक्सेसरी के पार्ट में जाए तो आपके पीछे गाइड आती है ना रेड वाली, वो एक्सेसरी के पार्ट में नहीं आती। अच्छा, तो ये है, ये तो एक्सेसरीज के पार्ट है, दो गाड़ियों में अलग हुआ, अलग अलग एक्सेसरीज देखने मिल जाएगी। अच्छा, अच्छा ये सिंगल सीट हो जाएगी, लेकिन इसमें लाइट वाले सीट की जगह एक है। ओके, इसमें और कुछ भी एडवांस आया है? एडवांस नहीं है, इंजन वही है, पावर वही है, बस चेंज है DS6। तो फाइनली गाइस हमारी गाड़ी बाहर आ चुकी है और भैया हमारी गाड़ी लेके आ चुके हैं। और तो भैया सर्विस में क्या क्या प्रॉब्लम आई आपको? आपका एयर फिल्टर क्लीन करा। अच्छा, तो मतलब सही से पिकअप नहीं बन पा रहा था, क्लीन करा को क्लीन करा, पहले पैड पिछले पैड नए पड़े हैं। अच्छा, कलच की केबिन ऑयलिंग करी, बाकी जो है सफाई वाई थी। अच्छा, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई इसमें और दिक्कत है ही नहीं है? मतलब जो आपको लग रहा था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ये कैसे हो, और कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, फाइनली गाइस हमारी गाड़ी सही हो चुकी है, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अच्छा, एक बार नाम और बता दो आपका। क्या? साहिर। साहिर नाम है भैया का। तो बहुत अच्छे भैया, हमारी गाड़ी एकदम परफेक्ट कर दी, देख ही सकते हो आप कंडीशन एक नंबर कर दी। तो गाड़ी भी बहुत मस्त चल रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आया होगा कि कैसे क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज मिली होगी। तो चलो मिलते हैं, अब आगे थोड़ा कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है, तो आगे मिलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं बर्गर शॉप पे, यहाँ पे मोमोज और बर्गर ही मिलते हैं सिर्फ, और भैया ने लिख रखा स्पेशल, तो देखते हैं यार इसमें क्या स्पेशल है और क्या स्पेशल नहीं है, तो वो मुझे से पूछ के ही पता चलेगा। तो चलो अभी टेस्ट करते हैं और भैया से पूछते हैं कि क्या स्पेशल है इसमें। तो चलो दिखाते हैं आपको। अपना नाम बता दो पहले। तो जितेंद्र कुमार। और ठहरे पे शिव का नाम किसका? अच्छा, वो भगवान जी का नाम है। सही है, सही बोले ना, सही है, सही। हाँ, तो भैया इसमें क्या स्पेशल है आपके बर्गर में? मतलब आपका खाली बर्गर का और उसका मोमोज का बिजनेस है खाली, है ना? तो क्या स्पेशल है आपका उसमें? सर मतलब पहली बात तो बर्गर बंद ही है ये। अच्छा, लगता है हर जगह मिलता है। अच्छा, जो बर्गर का वो होता है ओरिजिनल बंद, वही है ना? तो गाइस बर्गर का जो बंद होता है ओरिजिनल वही बंद है, देख सकते हैं आप, ये रहा ओरिजिनल बंद है बर्गर का। और भैया क्या चीज स्पेशल है इसमें? चीज स्लाइस। अच्छा, चीज अमूल का, चीज अमूल का चीज मिलेगा बर्गर में। और भैया इसमें डबल टिक्की लगती है। अच्छा, डबल टिक्की लगती है। और इसमें केचप वगैरह है भैया? केचप, मेयोनेज, चटनी सब कुछ है भैया इसमें। अच्छा, टमाटर, खीरा, मतलब पूरा बर्गर आप भर के दोगे भैया? बिल्कुल भर के। अच्छा, तो गाइस ये आ गया हमारा चीज बर्गर और इसका टेस्ट देखते हैं कि कैसा है। गाइस एक नंबर टेस्ट है यार, मजा आ गया हमें। टेस्ट बताओ, टेस्ट कैसा है? एक नंबर है, मजा आ गया। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे और जो मेरे साथ वाला था मैंने उसे घर छोड़ दिया और वो भी घर गया अपने। तो फाइनली गाइस बर्गर जो था ना बहुत टेस्टी था, जैसे कि आपको मैंने दिखाया बर्गर बहुत टेस्टी था यार, बहुत अच्छा बर्गर था, खाने में भी टेस्टी था और बड़ा भी काफी था, तो उससे पेट भी भर गया पूरा। तो फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ, मेरी बाइक भी ठीक हो चुकी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।